महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर घेराव करने पहुंची आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हुई लाठी चार्ज को प्रभारी रितनेश गुप्ता ने सरकार पर निशाना साधा और लाठी चार्ज को सरकार के द्वारा प्रायोजित करार दिया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता धरने पर बैठे थे और पुलिस के जवानों ने महिलाओं और बुजुर्गों पर लाठी चार्ज कर दिया, जिसमें कई कार्यकर्ता घायल हुए। उन्होंने कहा कि ये दिन हिमाचल के इतिहास का काला दिन होगा। ये सरकार लोगों की आवाज दबाने का काम कर रही है और जो अपने हकों के लिए आवाज उठाते हैं उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी से डरने वाली नहीं है और लोगों के मुद्दों को प्रमुखता से उठाने का काम करेगी। नमस्कार, मैं रत्नेश गुप्ता, प्रभारी आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश। आज मैं आप पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोग यहां आए। आज मेरा ख्याल से हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री में सबसे काला दिन रहा होगा कि आम आदमी पार्टी जो अपने जनता के प्रतिनिधियों के साथ वहां पर विधानसभा के बाहर गई थी, खाली हाथ बैठे हुए लोग, बिल्कुल जो पुलिस वालों ने कहा कि आप यहाँ से आगे नहीं जा सकते, हम उससे आगे नहीं गए, हम लोग वहाँ बैठ गए। फिर भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को बुरी तरह लाठी चार्ज किया गया और पीटा गया, जिसके कारण हमारी पार्टी के एक बुजुर्ग व्यक्ति वो आज जोनल हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उनका MRI CT स्कैन हो रहा है। हमारी प्रदेश अध्यक्ष ममता ठाकुर जी को पैर में जबरदस्त चोट लगी है, जिसकी वजह से उनका पैर पूरा सूजा हुआ है। अभी वो एक्सरे कराएंगी तो पता चलेगा कि हड्डी टूटी है क्या हुआ है। इस तरह का व्यवहार यहाँ की पुलिस से हमें कतई नहीं था, लेकिन मैं पुलिस वालों के ऊपर दोष नहीं कहूँगा, क्योंकि यहाँ पर जो प्रदेश सरकार है बिना उसके ऑर्डर के ये पुलिस ऐसा काम नहीं कर सकती थी। ये आज बहुत दुख का दिन है हिमाचल प्रदेश के लिए। क्या लगता था कि जिस तरह से आज जो प्रदर्शन था आम आदमी पार्टी का, तो वहां पर क्या कुछ लोग अग्रेसिव हुए थे या अंदर विधानसभा की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से पुलिस ने जो है लाठीचार्ज या धक्का मुक्की की? देखिए, वहां पे कोई भी अग्रेसिव नहीं था। वहां पे हम लोग, मैं खुद जमीन पे बैठा हुआ था। वहां पे जो DC साहब या पता नहीं SP साहब जो आए, उन्होंने कहा कि आप लोग यहाँ से आगे नहीं जा सकते। हमने कहा कोई बात नहीं, हम यहाँ बैठ जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि अब आप आगे क्या प्रोग्राम है। मैंने कहा आप सिर्फ हमें ये जो हमने प्रतिनिधि चुन के दिए हैं, आज जो विधानसभा के अंदर बैठे हुए हैं, उन जन प्रतिनिधियों को कहिए कि जनता उनसे मिलने आई है उनके द्वार पे। लेकिन जब 15-20 मिनट बाद उन्होंने कहा कि आप 15 मिनट और बैठ जाइए, हमने कहा ठीक है। हम लोग बैठे हुए थे, अचानक जो है पुलिस ने जो है हमारी महिला कार्यकर्ता जो बैठने के लिए आगे आ रही थी उन लोगों को धक्का मुक्की की, और उसके रिजल्ट में क्या हुआ कि बाद में उन्होंने जबरदस्त तरीके से लाठी चार्ज की और हमारे कई कार्यकर्ता जो है उसमें बुरी तरह से घायल हो गए हैं। क्या डिमांड क्या लगी आम आदमी पार्टी की तरफ से कार्यकर्ताओं उनके तक मार्केट की गई है, तो इसमें किस तरह की जांच की मांग करते हैं? हम बिल्कुल इस पे जो है जांच, और जो अधिकारी जिस अधिकारी ने ये लाठी चार्ज का ऑर्डर दिया है, हम चाहते हैं उसको तुरंत सस्पेंड किया जाए। इन मुद्दों को लेकर आज जो है विधानसभा का जो घेराव करने जो आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी आज विधानसभा का जो घेराव करने गई थी, वो महंगाई, बेरोजगारी, OPS, होटेलियर्स का जो है प्रॉपर्टी टैक्स, बिजली पानी, कोरोना काल का जो उसके ऊपर माफी चाहने गई थी, जो टैक्सी यूनियन है उन लोगों को, जो टैक्सी वाले हैं, बस वाले हैं, उन लोगों को 5,000 रुपए दिल्ली की तर्ज पे दिए जाएं कोरोना काल के, और जो कोरोना वेव पहली वेव में 5,000 और दूसरी वेव के 5,000, 10,000 रुपए की मांग करने गई थी। आशा वर्कर जो 8-8 घंटे काम कर रही हैं और 2,500-3,000 रुपए उनको तनख्वाह मिलती है, वो उसके लिए जो है आम आदमी पार्टी पूरी ताकत के साथ वहां गई थी। वहां पर हम लोग बुजुर्ग पेंशन जो यहाँ 800-1200 रुपए मिलती है और दिल्ली में 2,500 रुपए मिलती है, हम उसकी मांग करने गए थे।
लेकिन ये मांगे सुनने की बजाय पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठियां भाजी गई। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए शिमला से पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।